नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मनीषा विलेज फूड चैनल में। दोस्तों आज मैं कॉलेज से डायरेक्ट अपने फ्रेंड के घर आई हूँ और ये है हमारी फ्रेंड अंबिका, बहुत ही अच्छी फ्रेंड है। तो आज हम और हमारी दो फ्रेंड पल्लवी और अर्चना भी हैं, हम दोनों जो है कि अंबिका के घर आए हैं और इन्होंने अपने खेतों में बहुत ही अच्छी सब्जियाँ लगा रखी हैं। तो हम लोग चलते हैं इनके खेतों में, देखते हैं कि कौन कौन सी सब्जियाँ लगाई हैं। बताओ क्या क्या लगाई हो। यहाँ पर इन्होंने बैंगन की खेती लगा रखी है और क्यारियों में बहुत ही अच्छा लाइन से खेती की है, बहुत अच्छा है इनका खेती। यहाँ पर इन्होंने लहसुन लगाए हैं, लहसुन बहुत ही अच्छे हैं इनके। और यहाँ पर इन्होंने मटर लगाए हुए हैं, मटर इनके बहुत ही अच्छे हैं और मटर फले भी हैं, हम लोग यहाँ से तोड़कर मटर को खाते भी हैं। अभी इसमें दाना टमाटर में फूल लगे हैं, अभी टमाटर फले नहीं है। चना भी लगाई है, यहाँ पर इन्होंने फूल गोभी लगाए हैं और इनके गोभी बहुत ही अच्छे हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। आपके लेते जाना घर, अभी हम मेरे ये देखिए इसमें फूल कितने अच्छे लगे हुए हैं। और सब में फूल आ गए हैं, ये देखिए बहुत छोटा फूल है, अभी यह बड़ा होगा। ये देखिए फूल बहुत अच्छे हैं और इसको हम देखकर काट लेते हैं। एक कह देंगे ये देखिए इसमें बहुत ही अच्छे फूल लगे हैं, बहुत बड़ा फूल है। इस तरह से हम इसके पत्तियों को तोड़ लेते हैं। ये देखिए इसमें भी फूल बहुत अच्छे हैं, इसको हम काट लेते हैं। पकड़ो बाबू, कृतिका जी आपके लिए कद्दू भी ले जाइए अपने घर, हमारे घर से इतना ढेर सारा है ना, कृतिका ढेर सारा है ना। गोभी को लेने के बाद हम लोग चलते हैं घर की तरफ। शाम के 4 बज रहे हैं और मैं अपना खाना बनाना शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम चूल्हे पे रखते हैं एक बहुगुना और इसमें हम बनाएंगे चावल। तो बहुगुने में हम पानी डाल देते हैं और पानी को गर्म होने के लिए ढक देते हैं। यहाँ पर हम चावल लिए हैं, चावल को हम धोकर साफ कर लेते हैं। पानी गर्म हो गया है, अब हम चावल को बहुगुने में डाल देते हैं। जब तक हमारे चावल पक रही है, इधर हम सब्जियों को काट छाट कर तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हम खेतों से ताजी गोभी को तोड़कर लाए हैं और गोभी बहुत ही अच्छे हैं, तो गोभी को हम छोटे छोटे कलियों में तोड़ लेते हैं। गोभी की जो बड़ी बड़ी कलियां हैं उसे हम छोटे छोटे पीसेस में कर लेते हैं।
ताकि यह मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड हो जाए। इस तरह से हम सभी कलियों को हम तोड़ लेते हैं और जो कड़े डंठल हैं उसे हम बाहर निकाल देंगे। सभी सब्जियों को धोकर साफ कर लिए हैं। अब हम चलते हैं गोभी को मिक्सर में ग्राइंड करने। गोभी को हम इसी तरह से दरदरा पीसेंगे, इसे ज्यादा महीन नहीं करना है, इसी तरह से रखना है। इधर हम चावल को देख लेते हैं। चावल हमारे खिले खिले बनकर तैयार हो गए हैं। इसे हम चूल्हे पर से नीचे उतार देते हैं। अब हम सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम प्याज को बारीक काट लेते हैं। इसी तरह टमाटर को भी हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेते हैं और साथ में लहसुन, अदरक और हरी मिर्च लिए हैं, इसे भी हम काट लेते हैं। सभी सब्जियों को काट लिए हैं। अब हम चलते हैं प्याज को दरदरा पीसने के लिए। प्याज को हम दरदरा पीस लिए हैं और साथ में हम अदरक लहसुन का पेस्ट बनाए हैं और इसी के साथ हम टमाटर का भी पेस्ट बनाकर तैयार कर लेते हैं। गोभी का कोफ्ता बनाने के लिए गोभी में जो पानी है इसे हम निचोड़ कर बाहर निकालेंगे। इस तरह से हम सभी गोभी को निचोड़ लेते हैं। गोभी में जो पानी थे इसे हम निचोड़ लिए हैं। अब हम इसमें डालेंगे हरे प्याज। हरा धनिया, अजवाइन, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, अब हम इसमें चने का बेसन मिलाएंगे। और इसके साथ हम उबले हुए दो आलू लिए हैं, इसे मैश कर लेते हैं। आलू डालने से कोफ्ते हमारे मुलायम रहेंगे और खाने में बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो इसमें हमें पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह से हम इसका स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। स्टफिंग को तैयार करने के बाद इसे हम गोल गोल कोफ्ता बना लेंगे, लड्डू की तरह बनाएंगे। आप अपने साइज के अनुसार छोटा बड़ा कर सकते हैं। इस तरह से हम सभी कोफ्ते को बनाकर तैयार करते हैं। आग हमारा जल रहा है और चूल्हे पे रखते हैं कढ़ाई। कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल और तेल को गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें कोफ्ते डालकर फ्राई करेंगे। कोफ्ते को हम धीमी आंच पर पकाएंगे और बीच बीच में इसे पलटते रहेंगे ताकि कोफ्ते हमारे जले ना। कोफ्ते हमारे पक गए हैं और ये देखिए इसका कलर बहुत ही अच्छा आ गया है। अब हम इसे छानकर एक बर्तन में रख लेते हैं। इसी तरह से हम बाकी बचे हुए कोफ्ते को भी फ्राई कर लेंगे।
सभी कोफ्ते को बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम बाकी बचे हुए तेल में तेज पत्ता का तड़का लगाएंगे और इसमें जीरा भी डालेंगे। जीरा चटकने के बाद इसमें हम पीसे हुए प्याज को डालकर भूनेंगे। प्याज का हल्का कलर चेंज होने के बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट भी डालकर भूनेंगे और इसे धीमी धीमी आंच पर भूनेंगे ताकि प्याज हमारे जले ना। अब हम इसमें हरे मटर भी डाल देते हैं और इसे चलाते हुए हम अच्छे से भूनेंगे। इधर हम मसालों की तैयारी करते हैं। मसालों में हम एक चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, सभी को डालने के बाद इसमें हल्का सा पानी मिलाएंगे और इसका घोल तैयार करेंगे। इधर हमारे मटर भी नरम हो गए हैं तो इसमें हम मसाले डाल देते हैं और मसालों को डालकर हल्का सा पानी मिलाएंगे और इसे पकने तक भूनेंगे। मसाले को हम 2 मिनट तक भून लिए हैं और मसाले हमारे पक भी गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर का पेस्ट और इसे अच्छे से मिलाएंगे। अब हम इसमें टमाटर को गलने के लिए स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। टमाटर भी हमारे मसालों के साथ अच्छे से भुन गए हैं। अब हम इसमें ग्रेवी के अनुसार पानी डालेंगे। आप अपने अनुसार कम या ज्यादा पानी कर सकते हैं और इसे ढक देते हैं पकने के लिए। उबाल आने के बाद इसमें हम डालेंगे कोफ्ते। जब तक हमारे कोफ्ते पक रहे हैं इधर हम आटे को गूंथकर तैयार कर लेते हैं। ये देखिए लगभग कोफ्ते हमारे पक चले हैं और इसमें हम डाल देते हैं हरा धनिया। कोफ्ते हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम इसे चूल्हे पर से नीचे उतार देते हैं। ये देखिए हमारा बहुत ही अच्छा और ग्रेवीदार कोफ्ता बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके साथ खाने के लिए रोटी भी बनाएंगे। दोस्तों अंधेरा हो चला है और मैं जल्दी से रोटी भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। दोस्तों जो लोग हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में बनी बेल आइकन घंटी को भी क्लिक करिए जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल जाएगी और आप लोग हमारे वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों आज रात के खाने में हम बनाए हैं चावल और फूल गोभी के कोफ्ते और इसके साथ खाने के लिए हम रोटी बनाए हैं। दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।